दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि रोज कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है, रोज कुछ ना कुछ नई नई बातें जानने, सीखने, समझने को मिलती है। यहाँ पर आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि इन्होंने मतलब कि कुछ ऐसे डिटेल्स मिली है जो कि बहुत ही आपको बताना जरूरी है, जिसमें जा लाइफ ने कहा है कि हम जल्द ही डेबिट कार्ड के बारे में अधिक जानकारी भेजेंगे। हम दृढ़ता से मानते हैं कि लोग हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर हैं और उत्साहित भी हैं। जाला स्टाइल के पास वर्तमान में जो निम्नलिखित उत्पाद हैं, यानी इनके प्रोडक्ट हैं, कार्यक्रम हैं और इनका जो लक्ष्य और मिशन है, शुरू से ही नहीं बदले हैं। ये लोग जो हैं बहुत बड़े मिशन को लेकर निकले हुए हैं, जैसे कि जा लाइफ स्टाइल जीवन शैली कार्यक्रम, जा लाइफ स्टाइल बोनस प्रोग्राम, शेयर्स, फ्यूचर शेयर यानी कि विज्ञापन कार्यक्रम, क्रिप्टो कार्यक्रम, बायबैक कार्यक्रम, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि शॉपिंग पोर्टल भी है, वो लास्ट में है। इसके बाद इन्होंने कहा बायबैक कार्यक्रम हम आने वाले न्यूज़लेटर्स में लिस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी भेजेंगे, यानी कि बहुत अच्छी ये बात है कि अब हमारी जो कंपनी है लिस्टिंग की प्रोसेस में है और उसके लिए लोग जानकारी भेजने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग से पहले हम बायबैक प्रोग्राम के शानदार अवसर की पेशकश कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले न्यूज़लेटर में बताया था। जाला स्टाइल फ्यूचर शेयर 1 और फ्यूचर शेयर 2 बायबैक प्रोग्राम, इसकी जानकारी क्या है थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी द्वारा FS यानी फ्यूचर शेयर बायबैक प्रोग्राम, FS2 यानी फ्यूचर शेयर 2 प्रमोशन समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगा। जाला स्टाइल कंपनी के बायबैक मानदंड के आधार पर आपके आवंटित फ्यूचर शेयर 1 और आपके सभी फ्यूचर शेयर 2 का एक हिस्सा खरीदने के लिए तैयार है। फ्यूचर शेयर 1 का न्यूनतम बायबैक 1 यूरो मूल्य रहेगा और FS2 का न्यूनतम बायबैक मूल्य 2 यूरो होगा। इसलिए काफ़ी लोगों ने परचेस किए हैं पैकेजेस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उसमें 2 यूरो की वैल्यू से आपको यहाँ पर जो है कंपनी खरीदने वाली है, चाहे आपने जितने में लिया हो, चाहे 0.20 में लिया हो, चाहे 2.5 में, चाहे 3.8 में, चाहे 0.40 में आपने लिया हो, लेकिन आपसे परचेस करेगी कंपनी बायबैक में तो 2 यूरो के हिसाब से ही करेगी। हर कोई कंपनी सूचीबद्ध होने से पहले अपना कुछ फ्यूचर शेयर 1 और अपने सभी फ्यूचर शेयर 2 को बेचने की पेशकश करने के लिए पात्र है। यानी कि हर कोई कंपनी के लिए भी ये कंपलसरी मतलब हो सकता है या नहीं भी होता है कि वो अपने कुछ शेयर को खरीदने बेचने के लिए बायबैक प्रोग्राम के तहत कर सकती है इस प्रोसेस को। आप अपने फ्यूचर शेयर का कितना हिस्सा प्रति बिक्री आदेश कंपनी को वापस बेचने में सक्षम रहेंगे, इसकी एक लिमिटेशन होगी, इसकी एक सीमा होगी। यह पूरी तरह से कंपनी के विवेक पर और इस पर आधारित किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर अच्छा पैसा कमाने के लिए सभी अपने फ्यूचर शेयर 1 और फ्यूचर शेयर 2 को बेचने का अवसर देना क्या उचित है, ये कंपनी का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी कुछ लोग यहाँ से इनकम जरूर कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंपनी सारे का सारा फ्यूचर शेयर ये FS1 FS2 बेचने का कर देगी तो कहीं ना कहीं आगे लिस्टिंग में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ परसेंटेज ही रखे हैं बेचने के लिए, यानी आपसे लेके आपको उसके बदले अमाउंट देने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा पार्ट विज्ञापन। विज्ञापन कार्यक्रम के संबंध में हम सभी सूचनाओं के साथ वेबसाइट में पहले ही दिन से स्पष्ट हैं कि हमारे पास विज्ञापन भागीदार है और हमारे विज्ञापन भागीदार के पास विज्ञापन मंच होगा और यह हमारा विज्ञापन भागीदार है जो सभी को विज्ञापन प्रदान करेगा। तो हाँ, यह पूरे विज्ञापन कार्यक्रम को संभालता है। यह और उनके विज्ञापन कार्यक्रमों के बारे में प्रश्नों के लिए आपको उनसे सीधा संपर्क करना चाहिए, जा लाइफ स्टाइल ने कहा है, क्योंकि पूरा यह प्लेटफॉर्म, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी और इसकी पूरी डिटेल इन्हीं के पास होती है और आप कोई भी मेल करते हैं तो इसका आंसर यह ही आपको देगा। यह वह है जिसके पास एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है और ये वही है जो सभी के लिए विज्ञापन प्रदान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह और जा लाइफ स्टाइल दोनों अलग अलग कंपनियाँ हैं, हालांकि हम वर्तमान में एक साझेदारी में काम कर रहे हैं और दोनों व्यवसाय पूरी तरह से अलग है। विज्ञापन कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विज्ञापनों की संख्या और आय के बारे में प्रश्न करने के लिए आप सीधे जो है यह को support@eha.com पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा मलेशिया पर विज्ञापन कब शुरू करेंगे, वैश्विक विज्ञापन और यह जो है वो कैसे, मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड वाइड विज्ञापन शुरू होंगे वो कब से होगा और अपना जो मिशन है कब से कंपनी पूरा करेगी, तो यह की तरफ से यहाँ पर कुछ जानकारी है, मैं वो बता देता हूँ कि यह कहता है कि हमें जानकारी अफसोस हुआ कि आपको अभी तक सशुल्क विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं। अधिक से अधिक विज्ञापनदाता एक साथ दैनिक पंजीकरण करते हैं, जिसका अर्थ है दुनिया भर में अधिक से अधिक उपयोगकर्ता प्रतिदिन भुगतान किए गए विज्ञापन प्राप्त करते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके उतने विज्ञापनदाताओं को भर्ती करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको
अभी तक सशुल्क विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिन विज्ञापनदाताओं ने अभी तक पंजीकरण कराया है उन्होंने या तो अभी तक कोई विज्ञापन अभियान नहीं चलाया है या उनका विज्ञापन अभियान आपके स्थान रुचि की श्रेणी से मेल नहीं खाता है। इस बात पर हमने पहले भी वीडियो में चर्चा की थी कि भाई अगर कहीं विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं तो उसका हम लोगों को कॉपी सबमिट करिए या हम लोगों को उसका कोई प्रूफ भेजिए, क्योंकि ये तो अभी कहीं विज्ञापन नहीं दिखाए जा रहे। और हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने कहा है कि उनका विज्ञापन आपके अभियान, उनका जो विज्ञापन अभियान है वो आपके स्थान रुचि श्रेणियों से मेल नहीं खाता है। तो इस पर भी हमारा सिंपल सा, हम इंडियन हमने सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी, साला बच के कौन सा विज्ञापन जाएगा, तो सारी कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर रखी है। इस बीच हम आपके इस निरंतर समर्थन और धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं। और यह जो है टेस्ट पीरियड से बाहर आ जाएगा जल्दी, ये सारी चीज़ आपको पता है, बार बार वही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ की टीम मेहनत कर रही है, यहाँ की सेल्स टीम है जो कि काफ़ी बड़ी कंपनियों के साथ डीलिंग करने में लगी हुई है, और बहुत जल्दी अच्छी गुड न्यूज़ हम सभी को मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो अपना काम कर रहा है, मंथली लाइफ स्टाइल बोनस देने का काम कर ही रहा है। और जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि जो इनका लिस्टिंग का प्रोसेस है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, यानी कि बायबैक प्रोग्राम खत्म होते ही लिस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंडर प्रोसेस अभी ये प्रक्रिया चालू है। अब जब ये लिस्टिंग होते ही आप देखिएगा कितना बूम आने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है शेयर्स के लिए और ये आगे के जो प्रोसेस है उसके लिए, क्योंकि जिस दिन लिस्टिंग हो गई तो आपकी कंपनी जो है ना अलग ब्रांड के रूप में झलकने वाली है, दिखने वाली है। क्योंकि एक बार अभी तो देखिए एक कहते हैं ना कि स्टार्टअप कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके ये बहुत बड़े लेवल पे आगे जाने वाला है, और जैसे जैसे चीज़ें शुरू होंगी तो आप लोगों को सबको पता चलेगा यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर पोटेंशियल है इस कंपनी का। और दोस्तों, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना इहा की आईडी को खोल के जरूर देखिए, विज्ञापन जरूर देखिए, मीटिंग में जरूर आइए, क्योंकि शाम की जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म पे मीटिंग होती है वहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना अपना काम आप लोग करते रहें, और जो भी आपकी टीम है सभी को जागृत करें, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग करीब आ रहे हैं कि मतलब कि समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि जहाँ पर कुछ ना कुछ अब आपको रियल रिजल्ट जो है आपको दिखाई देने वाले हैं, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, बने रहिए और वेट करते हैं न्यूज़लेटर का, और भी अपडेट्स मिलेंगे आपको, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।